साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे, हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले, लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है, और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम यानी नाम नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। ।2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया, और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ है।